पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में तहसील जायल से पूर्व प्रधान नीतकरण जी लोमरोड साहब एक बार जोरदार तालियां। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नवचयनित आईपीएस प्रेमसुख जी दड़िया सर, मयूर सरजमी से ही नवचयनित पुलिस कांस्टेबल और पूर्व में यहाँ पर सेवाएं दे रहे राकेश जी दायल सर, एजुकेशन ग्रुप के संरक्षक बुराराम जी डारा सर, निदेशक देवकरण जी और समस्त अन्य पदाधिकारी, समस्त मंचासीन महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इस मयूर सरजमी के प्रांगण को संजोने की शुरुआत हमने 2005-06 से की। मात्र 15 विद्यार्थियों से ये संस्थान शुरू किया गया था और आज 2024-25 में आपके सामने 2500 से 3000 विद्यार्थियों का बड़ा हुजूम है। हमने प्रयास किया कि कक्षा 12 तक ग्रामीण स्तर के बच्चों को प्रत्येक विद्यालय शिक्षा दे रहा है, लेकिन 12 पास होने के बाद आगामी परीक्षाओं की तैयारी वे क्वालिफिकेशन के लिए बड़े शहरों में बड़ी पूंजी के साथ रकम खर्च करनी होती है, इसलिए हमने कॉलेज जेट क्लासेज की स्थापना की। और आप सबको बताना चाहूंगा कि जल्द ही हम इग्नू ओपन बोर्ड और वेटरनरी साइंस की मान्यता लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं होगा जब यहाँ से पशु चिकित्सक बनकर विद्यार्थी नए सिरे से समाज को नई दिशा देंगे। कल मैं भाषण सुन रहा था प्रधान जी का, तो प्रधान जी कह रहे थे मान्यता दिन ठा को नहीं आईपीएस और आईएएस किया बने, आज मां के चाबी हाथ लागी है। पर मैं थाने सगड़ा ने बताबो चाहूं कि अब मैं भचीड़ पड़ा ला भचीड़। और प्रधान जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके मंच के साथ ही कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं आईपीएस प्रेमसुख जी दड़िया सर और नव चयनित पुलिस कांस्टेबल राकेश जी दायल सर, और ये जो सामने बच्चे आप हंसते मुस्कुराते देख रहे हैं वो समय भी दूर नहीं है जब ये भी आईएएस आरएस बनकर भचीड़ पड़ेंगे भचीड़। इस दीपक की तरह आप चमके, अगरबत्तियों के धुएं से आती हुई सुगंध की तरह आपका किरदार महके, आपका चरित्र महके। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान श्री रिद्धकरण जी लोमरोड साहब, आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा एजुकेशन ग्रुप के संरक्षक बुराराम जी डारा सर को कि माला पहनाकर स्वागत करें। एक बार तालियों की तीव्रता तेज कर दें। धोड़ा धोड़ा धोरिया और ऊंटा लदी कतार, घूंघट वाली गोडड़ी और मुछना मोटियार, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। अगली पंक्ति में निवेदन करूंगा आईपीएस प्रेमसुख जी दड़िया सर को, आपके स्वागत के लिए एजुकेशन ग्रुप के निदेशक महोदय देवकरण जी डारा सर से निवेदन है कि सर का साफा पहनाकर स्वागत करें। हाथों को लहरा दीजिए हवा में। अगली पंक्ति में निदेशक महोदय से निवेदन है कि नव चयनित पुलिस कांस्टेबल श्री राकेश जी दायल साहब का स्वागत करें। और शुक्रिया, आप भी बच्चों को नई दशा और दिशा प्रदान करेंगे। हमेशा नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक योजक कड़ी का काम कर रहे हैं और इन्होंने हमेशा देश समाज संस्कृति और बच्चों के लिए बड़े मंच पर पैरवी की है। आज के इस स्नेह मिलन समारोह और पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शिरकत कर रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा रिद्धकरण जी लोमरोड साहब को। देगा नाम है मयूर स्कूल में तो वो प्रोग्राम रखियो है
कि प्रोग्राम में प्रोग्राम का स्कूल का जगह मुखिया है बुराराम जी डारा साहब और अबारी आईपीएस में सिलेक्शन हुए आईपीएस में और केडर मिले हैं यूपी यूपी में एस भी बनी बन गए बनगा प्रेम सुख जी और सामान्य मंच शिक्षकों और विद्यार्थियों एक बार बोलने वाला मन ठेठ ऊंचो लेगा इमाज तो मन भी सोच सोच बोलनू पड़े। आज ही मौके पर मैं आपकी स्कूल में देखूं और थांकी जगह स्कूल है और टाबरा की जगह संख्या है वास्तु के मायने तारीफ करने लायक है तारीफ करने लायक। और थे जितना भी विद्यार्थी हो बालक बालिकाएं और थे स्कूल में पढ़ो और टाबरा आवाज को युग है और वैज्ञानिक युग है वैज्ञानिक युग इन वैज्ञानिक युग के मायने अगर दौर में कोई लारे देखो बाद में पिस्तान पड़े पिस्तान पुराने जमाने के मायने जिन टाइम मैं पिडियो 61-62 के मायने में सातवीं तक पिडियो 61-62 में और ओल्डर शाही की दुआ तर उनती अब थांगन मोटा मोटा मोबाइल है मोबाइल उठे जो वो सीधो कहीं के भी नहीं पढ़ने को जो को मामलो है इंटरनेट जुड़ा होते इंटरनेट आज की पढ़ाई थांगी जगी है बड़ी मार्मिक पढ़ाई है और भी जमाने में गाइडें आइडिया तो देखने को नहीं चार चार पांच पांच सात सात किलोमीटर टाबर पढ़ने आता और स्कूल ना भी बहुत कम ही। आज ही मौके पर टाबर थे जितना भी पढ़ो आबाद की टेम में संस्कार बहुत जरूरी है संस्कार संस्कार और संस्कृति अगर जीवित रही रहता ही मान लो ठेरता ही ठीक रही और संस्कार और संस्कृति के मायने अगर रुकावट आएगी तो मामलो बहुत गलत हुए। आज जितना भी थे टाबर फटो और था का घर का जगह है ताने स्कूल भेजे और अब आज थे चावजियां बन सको आ गारंटी है ताके मन में आ जाइए कि मैं डॉक्टर बनूं बन सको ताके मन में आ जाइए कि मैं इंजीनियर बनूं बन सको ताके मन में आ जाइए कि मैं आईआईटी में नंबर माऊं आ सको ते आईएएस बन सको आईपीएस बन सको आरएएस बन सको आरपीएस बन सको अत है अब था की उम्र है और स्कूल का जो मैनेजमेंट है मैं डारा साहब थाना ही बात कहूं कि स्कूल में जगह टावर निकले था पर जानी चाहिए कि मैं स्कूल में पिजोड़ो टाइप टावर आईएएस में आरएएस में डॉक्टर इंजीनियर बड़ी बड़ी पोस्ट पर है जरा तो भया बात को मजो है खाली पढ़ाई करने में की नहीं है। अब आरे कहवा मारू पहली कि जाइल का जाट खियाले का चौधरी मायरे में मायरो भिजियो जमानो हो और 14 ईस्वी की बात है जाइल खियाले का जाटा राज की रकम ही और उल्टा पर ले जाया दिल्ली जान के माय टेम लगे हरमारो गांव हो पर्वत में रुकिया
ना लुगाया पानी ना आवे दीवर दी टिया आई जगी एक के तो दीवरानी के तारो मायरो और भी जिटानी के मायरो को ना वो भाई को नहीं हो रबा दुमनी ही मायरो आवे जगी जोर उचाले वहां परीक्षा करेगी भाई आवे जगी हम आ दुमनी क्यों है भी ने पूछो के आ तो यहाँ चले तू दुमनी क्यों है के इके तो मायरो आई भाई ले आई मारे भाई को नहीं बीटे मां के मन में आई सोच गया के आज मौको है बादशाह आपा ने मारी या काटी आज ही मौके पर इनका भाई आपा हा बाकी तू मांगे मोरीबान मैं थारा धर्म का भाई हा और मायरो मैं करा भी जमाने में मायरो करे और मैं बादशाह गन गया और बादशाह ने बताया रकम राज की ही और मैं भर दी अब चाहे माने मारो या काटो बादशाह भी खुश हुए कि भाई थे अत्ती बाद में ताकर आएगा माने माफ कर दियो भाई बहन के मायरो भरे 36 कौम गावे एक नहीं 36 कौम में गावे के गरियक बन जा जाइल को जाट खियारे को चौधरी गरियक कहने को भाव है के गरियक बन जा चाहिए कि मन में आवे के और उसे पाएंगे बत्तों बता रुपया लगावा अब भाव है जो जी महाराज भैया गुजरी की गया लेगा और गुजरी की गया की खातर आप बलिदान दे दियो हजार साल पहले की बात है फूला भाई हुई राणा भाई हुई कर्मा भाई हुई भक्ति के माय नाम करियो मीरा भाई हुई भक्ति में नाम करियो है पूरी नागौर जिले की बात है नागौर जिले की इवाज थे आप टावरा जता भी हो सोरा संस्कार रिजो संस्कार संस्कार बिना की नहीं है जमानो बार बड़ो खतरनाक है आवाज का है फोन है एप्पल का फोन एप्पल का और ये फोन जगह है बहुत गजब का है दुनिया की जानकारी हुए सब जगह जानकारी मिले लेकिन एक साइड में पूरी की पूरी बाजी पलट दिए हुए बाजी पलट दिए हुए थका संस्कार जगह है आने डाउन कर दिए हुए एक पाठ दूसरो जगह पाठ है इंस्टाग्राम फलाना ग्राम देखो थे कालर कोई अलावे बोले कोई इंस्टाग्राम में इवाजते आ चीजा की थाने जान राखनो पड़ी और टावरा अगर मारी बात मानता वो तो पढ़ाई सुहाय की नहीं है शिक्षा सुहाय की नहीं है अगर शिक्षा थे ग्रहण कर लियो व्यापारी बन सको काश्तकार बड़ा बन सको कोई चीज में थे लाले नहीं रह सको लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है आज ही मौके पर बुरा राम जी विरज है हमारे केवा ए धोली धोचा धोला छापा ए बिरा थोड़ा दिन का ही है लो पूजी लो थाने दिशे ही को नहीं क्यों अबाज को है मामलो ब्रांडेड है ब्रांडेड समझो ब्रांडेड ने ब्रांडेड कपड़ा आवे था के ब्रांडेड कपड़ा मैं लोड़ो सो को जना कुर्तियो पहन तो कुर्तियो गुंजा कौन होती कपड़े कोई बटन हो तो कपड़े कोई अब यार मामलो बड़ो गजब को है इवाजते दारा परिवार ने स्कूल परिवार ने और थाने हकला ने धन्यवाद दीवा के थाको मैनेजमेंट शिक्षा को स्तर थाको अनुभव टावरा को उत्साह बड़ो सराहनीय है आज ही मौके पर हमारे दो तीन लड़कियां आई मारे थे
कैसा ठगा थे फोटो खींचा मगो बेटा मारे हाथे कैसा ठगा मैं बीडिया होना मांगा तो बीडिया बीडिया है बेटा और मांगन को एक ही नहीं है बीडिया है मांगन हुआ लेकिन पढ़ाई जगी है शिक्षा को ज्ञान जगो है और थांकन है सब रहा हूं ज्यादा मैं टाबरा थाने को युवा ने लड़कियां तो वास्तु मायने और नाम करे में कोई फर्क को है नहीं बड़ छोरा थकाने देखना बहुत जरूरी है थकाने देखना बहुत जरूरी है अब आज देखो मामलो है नशा परवर्ती को और लोड़ा लोड़ा टाबर नशे के मायने आदि ऊन रूगा और भी ध्यान रखना पड़े खेती सीमित होगी पैसों बहुत महंगाई होगी हर चीज में थाने ध्यान रखना पड़े और पढ़ाई के मामले में तो थाने घणो ध्यान रखना पड़े आज ही मौके पर जगह आईपीएस बने आईपीएस हिंदुस्तान की आईएएस जगह बने हिंदुस्तान की सब मोटी संस्था जगी है अफसर मोटो कौन हुए आने ब्यूरोक्रेट कहवे ब्यूरोक्रेट कहवे ब्यूरोक्रेट कहवे ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट कहवा ब्यूरोक्रेट थाने टावरा ने ब्यूरोक्रेट बनो है ब्यूरोक्रेट बनो है थाने और आज ही मौके पर माने बुलाया माँ को स्वागत करियो मेरी स्कूल का परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद है और आज ही मौके पर मैं तो बात हूं खुश हूं कि 2500 तई स्ट्रेंथ है टावरा की और थे एकदम स्कूल के मायने अनुशासन हूं पढ़ाई हूं हर चीज हूं थे जो वो यहां जानकार हो बन संस्कृति और संस्कार और आगनो बहुत जरूरी है आई बात कर मैं हमारी बात समाप्त करूं राम राम साहब एक बार तालियों की तीव्रता और तेज ओके पर समाज को मद्देनजर रखते हुए हर बार जब मंच पर इनको आमंत्रित किया गया तो इन्होंने हमेशा समाज की पैरवी की इन्हीं के शब्दों को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा मेरी पंक्तियों को समझने का प्रयास करना कि कठे बोरलो नासा में नथड़ी सुगड़ सोनो आज कठे कठे पोमचो जाटनी को आपा को सवायो राज कठे कठे पेमल पनेरा की तेजा जी खरनाल कठे कठे राखड़ी जायल की खियाला को नाम कठे बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया धरा धर्म पर आंच आवता मर मिटन की होड कठे सासरे माई धर्म निभायो वो बिगो जाखड़ आज कठे लोगा सामी मूछ मरोड़ता करता छाती वार जठे नहीं गुलामी की पीड़ सही बे डाबड़े का जुंजार कठे बहुत बढ़िया कठे गयो वो टीलू बाबू शाम धर्म शु प्रीत कठे कठे राना हरनामा री बा मूरत धर्म री रीस कठे तुर्का ने सबक शिखावन वालो वो सूरजमल जाट कठे हिंद सिरमोर को नाम जो पायो धौलपुर राणो उदय कठे बलदेव कठे नाथू कठे बे परस रामरा सपूत कठे करसा में रेवण वालो वो मर्दानो मान राज कठे नांजोगा को राज आएगो आपा का सिरदार कठे कुछ लोग ही ललकारे है राज को सिरताज कठे चेतो करो रे हेत करो आपा को अब राज कठे एको नी करियो तो भाया आपनो अब काम कठे ए सब लोग तो रोजी ना बोले पर सुने जियान का आज कठे आंख्या खोलिया मान मिले भाया श्रोतारिया तो ठाट कठे
अरे